हमें इमोशन की नहीं प्रमोशन की जरूरत। पापा मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैं भी लेट हूँ बेटा। बॉस ने आपको बुलाया है? बबलू जी बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी। क्या कमाल है ना जिंदगी। चुप करो। फिर से रिजेक्ट हो गया। आज तो दबा के पीऊंगा, पिला दो प्लीज। ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना देगी करोड़पति। किसी को बताना मत हमारी लॉटरी लगी है। क्या पता नहीं कौन से गरीब खानदान में पैदा हो गया हूँ मैं। एक प्लेट लगाना यार। एक बार बड़ा सिंगर बन गया ना मैं, फिर अपने मन की करूंगा। फिर शुक्र माना तू मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ बैंचो। इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कोई तो हर चीज में अपने बाप से भीख मांगनी पड़ती है। एक एक बाइक चाहिए, वो भी मांगने में पापा से शर्म आ रही है। कौन सी बाइक? निंजा डुकाटी। अच्छा, अब दोनों को एक ही साथ ही चलाएंगे जय देवगन जैसा। तू बोल गए मना बैंचो। हाँ दे रहे हैं। अब थोड़ा और देखा मना ना यार। भैया जी कल सुबह दिक्कत हो जाएगी ना आपको। गांड से आपके गोले हगेंगे। तुझे क्या बैंचो? लड़की को तो लाल मिर्च में डुबो डुबो के खिलाता है। वो क्या है ना भैया जी, लड़कियाँ बहुत प्यार से मांगती है तो दे देते हैं। हम कहते हैं साथ में कर रहे बैंचो। मना। अच्छा दे रहे हैं, रुकिए। तो फोन में बैटरी नहीं है, पापा को चैन नहीं है। ए भुवन, 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 ये आजकल के बच्चे बड़ा ऊंचा सुनते हैं। भुवन, 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 मैं जो भाग भी आया था ऐसा लग रहा है भुवन भुवन चिल्ला रहा है। निकल ले, लगता है कोई ठोक के मर गया। चल 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 चल। अरे मार के भाग गया, पकड़ो उसको। भाग नहीं सकता यार, मेरी टांग में दर्द है। अरे नंबर नोट किया क्या? बहुत तेज भगा ले गया गाड़ी। बढ़िया इंजन वाली गाड़ी होगी। मैंने कभी एक्सीडेंट नहीं देखा बैंच। अपने बाप से पूछे, वो एक बार दिख चुके हैं। पता नहीं बेचारा जिंदा हो गया नहीं। बहुत तेज टक्कर था भाई, मफलर भी निकला, एकदम कस के बांधा होगा। पापा, 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 क्या हुआ? अंकल, अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। Somebody please call 911. हाँ हाँ हाँ। अबे चूजी 102 मिला। हाँ हाँ हाँ। पापा, पापा, कह रहे गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। तो शुल्क लागू। अबे यार भाई साहब, आप एम्बुलेंस को फोन मिलाइए। साहब एक मिनट, इंस्टा लाइव चल रहा है। अरे भाई साहब आप ही लाइए ना। भाई भाई फोन दियो, फोन दियो। ये बॉडी घुमा दोगे? फोटो ढंग से नहीं आ रही है। वैसे मॉडल लेडी इधर हट, यहां से हट, हट। दाऊ जी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दाऊ जी आप कौन लगते हैं इनके? एक्टर हूं भाई, रील्स बना रहा हूं। मैं भी बॉर्डर पे जा रहा हूं, सीओडी खेलता हूं ना बहुत सुन के। तू भी लाइव कर रहा है, 32 फॉलोअर तेरे। हट हट। हेलो एम्बुलेंस। जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। ऐसी नाजुक स्थिति में एक आदमी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। और इंसान की तो फितरत ही यही है कि वो दूसरों को बीच रास्ते में छोड़कर आगे निकल जाता है, फिर चाहे सर फूटे या माथा। यारा मैंने तो ना कर दी। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। एज 51 बैंचो, मेडन नेम, मेट का नेम कांता भाई। इसमें काम वाली आंटी का नाम क्यों लिखना है बैंचो? मेडन नेम मतलब पहला नाम। बबलू बैंचो। ये बैंचो बैंचो क्या लगा रखा है? यही तो मेरा स्टाइल है। आई कैन एक्सेप्ट दिस। लव लेटर थोड़ी ना लिख रहा हूँ बैंचो, एडमिशन फॉर्म है। मुझे दो, मैं फिल करती हूँ।
I'm sorry. नहीं, वो ठीक है अभी तो सॉरी वो एसी नहीं चल रहा है ना इसलिए संभालिया इन्हें अरे भाई कैसे हो सब कुछ ठीक तुझे क्यों बताओ आपने खाना खाया ठीक से तुझे क्यों बताओ जाओ ना भड़वाओ चेंज तो करने दो अरे मिश्रा जी घबराने की कोई बात नहीं है कहीं काम ऐसे हैं जो एक हाथ से भी हो सकते हैं समझे जाओ बेटा ताऊ जी के साथ खेलो गुप्ता जी जहाँ भी छुपे हैं बाहर आ जाइए चूतर पे इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है 5,000 का बेड है भाई 300 में देना यार 5,000 में लेना है चलो वरना निकलो हट आलू मोटे मोटे कद्दू कहाँ था तू तब से फोन कर रहे थे को तेरे को फोन किया था तेरा फोन ही ऑफ था और बैन हो को तो पता है मैं एक हफ्ते से यहीं आ रहा हूँ क्यों फॉर्म डोनेट करने कब तक अपनी औलाद को बहाता रहूंगा ध्यान रखना हाँ एग्जैक्टली 15 है इतना सारा एक हफ्ते का पागल है क्या आज के बैन हो कहाँ है फॉर्म भर रहा है ये कोई उम्र है नफबंदी कराने की एडमिशन फॉर्म भर रहा है ओ बासी रोटी जैसा चेहरा हो गया इनका मम्मी कल सुबह से मेरा जी घबरा रहा था पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया पता नहीं कोई गाड़ी वाला मार गया तू उसके पीछे क्यों नहीं भागा मैं कुत्ता हूँ क्या मम्मी मेरे सामने भी नहीं हुआ ये हाँ लेकिन अच्छा नहीं हुआ हम वहीं थे नहीं तो कुत्ते की मौत मरते मैं मेरा मतलब है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया सब लोग अपने फोन में लगे हुए थे कोई हिला तक नहीं तू कहाँ था मैं तो घर पे हिल रहा था ना हिल गए हैं आप मैंने मना किया था ना सीजन 8 देखने के लिए सीजन 7 तक ठीक थे कि नहीं आप बताइए सर सीले के पैर तक बावले हो गए हैं शेम I am Tara. I'm going to be looking after Mr. Bablu. His vitals look okay. Hosh aaya? Ifka to kho gaya. Kuch khaya? Bhook nahi hai. Inhone kuch khaya? Haan, shayad. Wife ka naam? Meri shaadi nahi hui abhi tak. What? Janki naam hai mera. Ye theek to ho jayenge na? Pichli baar itne shant hamari shaadi ke mandap pe घबराने की कोई बात नहीं है ही विल बी फाइन खतरे से बाहर है सर पे गहरी चोट लगी है ना बिफोर पासिंग आउट ही वाज ट्राइंग टू से समथिंग बट आई कुडंट फिगर आउट मतलब इंग्लिश में बात कर रहा है बेटा हिंदी में समझा दी नहीं नहीं मैं समझ गई आंटी अक्सर ट्रॉमा केसेस में लोग ऐसे मुंह से जिब्रिश वर्ड्स निकालते रहते हैं अभी कुछ ही दिनों पहले एक पेशेंट आए थे जो मुझे अपनी बेटी समझकर पुचकारते रहते थे बाद में पता चला कि उन पे हरासमेंट के 25 केसेस हैं ये तो खुद को भी हाथ नहीं लगाते हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे तब तक आप में से कोई बिल पेमेंट कर दीजिए मैं चलता हूँ मम्मी तुम भी चलो मैं चलती हूँ वेलकम ख्याल रखना अपना सिंगल में क्यों रखना है मम्मी हाँ तो फिर स्वीटे में ही रखते हैं स्वीट में रख के क्या करेंगे डबल शेयरिंग में रखते हैं ना ना बड़े वाले रूम में रखेंगे पता कितना महंगा होता है पापा को वैसे अंडे वाले के 4,000 देने सब चुका देंगे लेकिन रहेंगे स्वीटे में ही पर क्यों अबे अगर किसी इंसान के हार्ड पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे डिपेंड करता है क्या बेचना है किडनी बेचनी हुई तो 2,00,000 आंखें 10,00,000 भेजा 13 हुआ तो 15 फो उस पे भी फ्लैट 70% ऑफ
चुप बैंच, खेल। तुम ठीक तो हो ना मम्मी? ठीक हूँ। टेंशन है? गैस है। इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। देखना तो पड़ेगा ना बेटा, फ्लश भी तो करना होता है। सुबह से 6 बार जा चुकी हूँ। मैं पापा की बात कर रहा हूँ मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक कैसे हो गया। एक पल में इतनी अच्छी खबर दी और उसके बाद ये सब। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अचानक से ही। एक सेकेंड, अच्छी खबर मतलब? दो मिनट रुको। लोगों का बाबाओं से भरोसा ही उठ गया। ए, तो फ्रंटल बना दरा के। हेलो जानकी। हाँ? अब जिंदगी पलटने वाली है। अब कौन सा बैंक बंद हो गया? तुम किसी से कहना मत, हमारी लॉटरी लगी है। क्या जीता? कुकर, फ्रिज? अरे अब तो ऐसे हजारों फ्रिज खरीद सकते हैं हम। क्यों, कुल्फी बेचोगे? अब रोज कुल्फी खाने के दिन आ गए हैं जानकी। वो 15 रुपए की कुल्फी अब हम 5-स्टार होटल में 350 रुपए दे के खा सकते हैं रोज। मतलब लॉटरी लगी है मेरी 11 करोड़ की। अब देखना, उस संडे वाले के 4000 रुपए का उधार चुका दूंगा, फिर उससे उसी की मुर्गियों का फार्म खरीद लूंगा, भुवन को रोज अंडे खिलाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। है तुम बस भुवन को बताना मत, है ना? मैं उसके चेहरे के तोते उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। अब तो तोता मैं ना सब उड़ जाएंगे। ते रहते हैं। क्या? 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 लॉटरी? हर बार थोड़ी जीतेगा मैच। अबे अंकल कहाँ गए? कोमा में। अबे बेड में नहीं है। क्या? अंकल कहाँ गए? अबे कहाँ गुड्डा? यहाँ नहीं। अबे कहाँ गए यार? कहाँ गए? इवेपोरेट हो गए क्या? कहाँ गए? यहाँ तो नहीं। तू ड्रॉअर में क्या देख रहा है? पावर बैंक है क्या अंकल? भोपड़ी के नहीं, कोमा में टहलने निकले। आपका स्वीट रेडी है? क्यों, तेरे बाप का हनीमून है? स्वीट दे रहा है बेंचो, लॉटरी लगी है क्या? हाँ हाँ लॉटरी लगी है। बताओ इन्हें क्या जीता, कुकर, फ्रिज या चांदी का सिक्का? नहीं नहीं, पूरे 11 करोड़ की लॉटरी लगी है। सबको बताने की क्या जरूरत है मम्मी? अरे हम सब घर वाले ही तो हैं। हाँ तो अभी बहन ब्याह देना इसके साथ। मैं कौन हूँ? आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कौन है? तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी पत्नी जी, ये सब कौन है? ये कंगी के मुंह वाले भैया। आपको अपना नाम याद नहीं है? अभी तो आपने बोला मैं ठीक हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? I think he's lost his memory. अब ये क्या बोल रही है? ये शायद अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अंकल ये कितनी उंगलियां? अबे अंधे नहीं हुए, याददाश्त गई है। याददाश्त तरू, तुम सब हो कौन? कुछ लोगों के पास दो लवड़े होते हैं, एक लगा होता है बॉडी में और दूसरा लिखा होता है नसीब में। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।